मिर्जापुर जिले के लालगंज तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दुबार कला से विकसला इंडिया ट्रस्ट के संस्थापक सहित सभी सदस्यों ने दिया लालगंज के उपजिलाधिकारी को विशेष ज्ञापन। खबर लालगंज तहसील क्षेत्र से है, जहां विकसला इंडिया ट्रस्ट ने समाज कल्याण के लिए लगातार कदम बढ़ाते हुए निःशुल्क कोचिंग शिक्षा देना, वैक्सीन टीकाकरण कैंप लगाकर लोगों को जागरूक करना जैसे तमाम कार्य करते आ रहे हैं। उसी क्रम में आज विकसला इंडिया ट्रस्ट के संस्थापक सत्यकाम दुबे, अंकित दुबे, राम त्रिपाठी, शिव शंकर, अशरफ अली, सत्यप्रकाश मौर्य, ओम अग्रहरी, अखिलेश अग्रहरी, मिथिलेश पांडे, विभव दुबे सहित तमाम पदाधिकारियों ने दुबार रोड पर लाली माटी में स्थित इंदिरा गांधी राजकीय पीजी कॉलेज को कोविड 19 की तीसरे लहर से समूचे क्षेत्र के बचाव के लिए लालगंज तहसील क्षेत्र में व्यापक आइसोलेशन वार्ड बनाने के संबंध में उपजिलाधिकारी लालगंज को ज्ञापन दिया गया, जिस पर उपजिलाधिकारी महोदय ने जल्द ही इस पर एक रणनीति बनाकर सकारात्मक कार्यशैली के साथ आइसोलेशन वार्ड बनाकर कोविड 19 के बचाव के लिए समुचित व्यवस्था करने का आश्वासन दिया। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए संतोष कुमार की खास रिपोर्ट। आपका क्या नाम है जी? सत्यकाम दुबे नाम है। सत्यकाम जी, आप यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ पर हम वैक्सला इंडिया ट्रस्ट के द्वारा वैक्सला इंडिया टीम के साथ यहाँ पे पहुँचे हैं उप जिलाधिकारी के पास एक ज्ञापन देने के लिए, जिस ज्ञापन में यह दर्शाया गया है कि अभी हम पहले कोरोना के पहले चरण और दूसरे चरण से तो अवगत थे ही, उसका बड़ी मुश्किलों के साथ पूरे देशवासियों ने सामना किया है। आगे आने वाले तीसरे चरण को हम लोग कैसे रोक सकते हैं, इसकी तैयारियों के लिए अपने लालगंज क्षेत्र में इंदिरा गांधी पीजी कॉलेज जो है वहाँ पर आइसोलेशन वार्ड बना दिया जाए, जिससे कि आने वाली कोरोना की तीसरी महामारी के लिए हम लोग पहले से ही तैयार रहें और आगे ये आइसोलेशन वार्ड हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए सहयोगी हो, इसी तथ्य पे हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। क्या उपजिलाधिकारी महोदय ने क्या कहा आपसे इस विषय पर? उपजिलाधिकारी ने पूरा आश्वासन दिया कि आप लोगों ने अच्छा कार्य किया है और हम पूर्णतः सहयोग करेंगे और पूरा प्रयास रहेगा कि आइसोलेशन वार्ड लालगंज में जल्द से जल्द तैयार हो जाए। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम विभव है। क्या आप भी इसी मतलब ज्ञापन में शामिल थे? जी, और जी, क्या जी, कुछ परिणाम रहा, क्या कुछ रिएक्शन रहे? काफ़ी अच्छा परिणाम रहा, माननीय जिला अधिकारी जी से मिल करके काफ़ी सरल स्वभाव था उनका, उन्होंने एक अच्छा आश्वासन दिया हम युवाओं को और उन्होंने इसको अपने पूरे संज्ञान में लेते हुए बाकायदा उन्होंने कहा कि हाँ, हम लालगंज में जब भी तीसरी लहर आएगी तो उसके पहले ही हम इंदिरा गांधी पीजी कॉलेज जो हमारा लाली माटी में है उसका पूर्ण उपयोग करते हुए उसको हम विश्लेषण सेंटर बना देंगे, जिससे मरीजों को जल्द से जल्द दवा दिया जा सके और उन्हें बेड की भी सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। आप लोग किस संस्था से हैं और संस्था का पूरा कार्य क्या क्या है? हमारी संस्था विकसला इंडिया ट्रस्ट है और हम लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और धूमपान निषेध, इन सब चीज़ों को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने क्या कुछ किया है? कोविड 19 से पहले क्या करते थे आप लोग? हमने कोविड 19 से पहले एजुकेशन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया और कोविड 19 चलते लॉकडाउन में एजुकेशन सिस्टम जो बंद था तो हमने वैक्सीनेशन और मास्क अभियान, इन सब चीज़ों को बहुत विशेष बल दिया, विशेष जोर दिया आप लोगों ने। और इस पर अभी क्या कुछ रणनीति है आपके आगे करने के लिए इस ट्रस्ट के तहत? अभी तक तो वैक्सला इंडिया ट्रस्ट ने गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का काम किया है, एजुकेशन क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने का काम किया है और साथ ही स्वास्थ्य, कोविड जैसे महामारी के अंतर्गत लॉकडाउन में भी हमारे ट्रस्ट के टीम के द्वारा लगातार टीकाकरण कराए जाने का कार्य किया गया है और लगातार गांव-गांव में कैंप लगाकर लोगों को हमने जागरूक किया, घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया कि आप लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि कुछ अफवाहें फैला दी गई थी सोशल मीडिया के माध्यम से, तमाम तरीक़ों से अफवाहें फैलाई जा रही थी कि कहीं ना कहीं वैक्सीन लगाने से हमें नुकसान है या हमारी तबीयत बिगड़ सकती है या फिर हम, यहाँ तक कि लोग कह रहे थे जान भी जा सकती है, तो ऐसे कार्य हम कर चुके हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षा क्षेत्र से लेकर स्वास्थ्य क्षेत्र से लेकर और जो भी हमारे समाज कल्याण के लिए कार्य हैं हम लगातार करने का प्रयास कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यकाम जी आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद।